फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक यूटीएल चार्जर है और यह इसको हम लोग ज़्यादातर कहते हैं कि इसका कोना कटा हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं कोना कटा हुआ। इसमें एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, लेकिन समस्या क्या थी मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर ने क्या किया था, जो डीसी का तार है वह लाइट में लगा दिया था, जिसकी वजह से इसकी डिस्प्ले की सेक्शन पूरा खराब हो गया था, इसका प्रिंट चल गया था। पर इसमें एक ऐसी समस्या बन गई थी कि उसको सॉल्व करने में, मतलब कि अगर नया मैकेनिक आना तो उसको काफी टाइम और पूरा हो सकता वो सॉल्व हो भी ना पाए। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता है कि 640 का मॉस्फेट होता है, 640 का जो मॉस्फेट होता है यहाँ पे, और वो 640 से स्विचिंग होके 3845 आईसी से रिले पे 24 वोल्ट पहुंचता है, ठीक है। और 24 वोल्ट जब पहुंचता है तो वहीं पे L7805 पे हमारे को एक पिन पे 15 वोल्ट और एक पिन पे हमारे को 5 वोल्ट मिलता है। लेकिन इसमें ऐसी एक प्रॉब्लम है कि जहां पे L7805 पे 15 वोल्ट पहुंचना चाहिए वहां पहुंच रहा है 8 वोल्ट या 9 वोल्ट। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगी। और आपको अगर ई रिक्शे का मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, वायरिंग, लिथियम चार्जर, अगर इसका आपको कोर्स करना है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप वहां पे मुझे कॉल करके बात कीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है। और दूसरी बात कि मेरे स्टूडेंट मेरे को ही कॉल करते हैं और कहीं कॉल नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रॉब्लम है उस चीज को आप समझिएगा, तभी आप लोगों को क्लियर हो पाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। और मेरा कोर्स का जो फीस है, ऑनलाइन कोर्स का फीस मेरा 9000 है, ऑफलाइन कोर्स का फीस रहना खाना कोर्स कंप्लीट 20000 रुपए है। एक महीने में पूरा 100% सिखाने का वो है करता हूं, जब कंप्लीट हो ही जाएगा। दो चार दिन एक्स्ट्रा होता है तो आपका सिर्फ रहने और खाने का पैसा पड़ेगा, कोर्स का कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, वो भी 1000 रुपए ज्यादा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आप कोर्स कीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, 100% मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ, देखिए। तो देखिए ये हमारे पास यूटीएल का कोना कटा हुआ चार्जर है, और इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे जो L7805 लगा हुआ है, देखिए मैं आपको, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिखाता हूँ। आप लोगों को पता है कि मेरी वीडियो में कोई मतलब झूठ बोलने का तो काम ही नहीं है, समझ लीजिए आप, बिल्कुल हकीकत वीडियो होती है मेरी जो भी होती है। L7805 जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे को 8 वोल्ट मिल रहा है, जबकि रिले पे हमारे को 24 वोल्ट पूरा मिल रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए, पहले मैं इसका वोल्ट चेक कराता हूँ, उसके बाद इसको आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो थोड़ा सा मेरे को कैमरा सेट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। ये रखेंगे इतना, बस थोड़ा सा और सेट करता हूँ मैं, देखिए हो गया। तो पहले मैं आप लोगों को डीसी ऑन करता हूँ और वोल्टेज चेक कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और कुछ है नहीं, सिर्फ ये बड़ा वाला मल्टीमीटर का प्रॉब है, बस और कुछ नहीं है। देखिए चेक कराता हूँ, रिले इसकी ऑन हो गई है, डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे L7805 का पूरा वोल्टेज नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, 24 वोल्ट पूरा बन रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं 24 वोल्ट की रिले होती है, 24 वोल्ट पूरा बन रहा है। पर अभी मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रॉब्लम इसमें दिखा रहा हूँ, देखिए कि L7805 जो होता है, 7805 होता है, देखिए एल जो होता है छोटा साइज होता है, 7805 बड़ा साइज होता है, जो मॉस्फेट की तरह होता है, 11 वोल्ट पहुंच रहा है, ठीक है, 11 वोल्ट पहुंच रहा है। तो इस पर जबकि हमारे को पहुंचना चाहिए था 15 वोल्ट, और ये हमारा जब हम एसी इन करेंगे तो ये और ड्रॉप हो जाएगा, डिस्प्ले लगाएंगे तो और ड्रॉप हो जाएगा। ये डिस्प्ले लगा के देखते हैं कि क्या इसका रीजन है, डिस्प्ले लगा रहा हूँ, देखिए
आ रहा ना सही इसमें? हाँ आ रहा है। देखिए यहाँ मैंने डिस्प्ले लगा दी है, आप चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है। देखिए 6 वोल्ट रह गया। कई फ्रेंड्स बोलेंगे कि डिस्प्ले की कमी है, तो मैं बता दूं डिस्प्ले की कमी नहीं है। देखिए डिस्प्ले की खराबी इसमें नहीं है, प्रोग्रामिंग जरूर शिफ्ट है लेकिन इसमें डिस्प्ले की खराबी नहीं है। अगर डिस्प्ले खराब होता तो पूरा शॉर्ट होता। अभी मैं इसी डिस्प्ले पे आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। कस्टमर के पास पैसे नहीं थे क्योंकि जब ये उल्टा तार लगाया था तो इसकी डिस्प्ले की प्रोग्रामिंग जो होती है, देखिए ये जो डिस्प्ले की प्रोग्रामिंग होती है ये शिफ्ट हो गई है, लेकिन ये डिस्प्ले काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि 8 घंटे बाद चार्जर खुद ही निकालना पड़ेगा, ये कट नहीं करेगा। यहाँ देखिए 6 वोल्ट बन रहा है जबकि रिले पे हमारा 24 वोल्ट अभी भी बन रहा है। देखिए 25 वोल्ट बन रहा है। लेकिन अब इस कारण में आप लोग सोचेंगे कि इसकी 3525 खराब हो या 358 खराब हो, ये दोनों 358 बी या 10358 खराब हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपका 24 वोल्ट रिले पे पहुंच रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपने छोड़ दिया तो फिर मेरी गलती कोई नहीं है, आपकी खुद की अपनी गलती होगी। और आजकल ना ज्यादा फालतू चीजों पे ध्यान ना देते हुए ज्यादा इन चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपके काम आने वाली है। दुनिया तो बोलती रहती है, बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो अपने काम से मतलब है और आप लोगों की प्यार की जरूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 100K का प्रीसेट लगा होता है। आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए 100K का प्रीसेट है, ये ट्रिमर बोला जाता है इसको। और एक उसके पड़ोस में 10K का रेजिस्टेंस है 1 वाट की, 10K का, सॉरी 10 ओम्स, 10K यहाँ लगा हुआ है, अपना 640 के पीछे 10K लगा है 1 वाट, ये लगा है अपना 10 ओम्स। लेकिन आप लोगों को ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ शॉर्ट सर्किट के कारण क्योंकि कई बार शॉर्ट हो जाता है। तो देखिए ध्यान से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो देखिए ये चटका हुआ है पर इसकी रीडिंग बिल्कुल ओके है। देखिए आई होप बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कम से कम यार लाइक तो कर दिया करो भाई, इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए ना, ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए कोई नहीं बनाएगा। यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा लोग फ्रॉडिंग करते हैं लेकिन यहाँ पे कोई फ्रॉडिंग नहीं है मेरे भाई। और आपको इसका मॉस्फेट चाहिए या कुछ भी कंपोनेंट चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। इसका फ्रॉग थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे 0-0 जब तक नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, हिल रहा है अभी, वो सोल्डरिंग कर दूंगा। इसका मल्टीमीटर का फ्रॉग खराब हो गया था। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, देखिए इसकी वैल्यू चेक करा रहा हूँ, 12 बता रहा है, सही बता रहा है, बीप की आवाज आ रही है, बिल्कुल ओके है। पर ये रेजिस्टेंस जब लोड पड़ रहा है ना तो ये सही से काम नहीं कर रहा है, और इसी के चक्कर में यहाँ पे आपका हमारा 15 वोल्ट 7805 पे नहीं पहुंच रहा है। देखिए मैं आप लोगों को लाइव इसको चेंज करके दिखाता हूँ और डिस्प्ले लगा के भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे वो वोल्टेज पूरा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, निकालता हूँ और इसको वीडियो काटूंगा नहीं, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है लेकिन इसको पूरा देखिएगा। ठीक है ये देखिए हो गया, ये देखिए ये वाला रेजिस्टेंस यहां से निकाल रहा हूं मैं 10 ओम्स की, ठीक है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस यहां से चटका हुआ है, देखिए मैं क्लियर करता हूं, देखिए और यहां पे मैं ये वाला रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, देखिए ठीक है। और इसको डी सोल्डरिंग पंप से आपको साफ करना है तो साफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं आपको
क्योंकि मैं चेक कराना है, तो मेरे को सिर्फ ऐसे मैं लगा के चेक करवा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको लगा ही लेता हूँ पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया है यहाँ पे, और इसको बैक साइड से सोल्डरिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये छोटे छोटे वीडियो जो होते हैं ना फ्रेंड्स, आप लोग इसको देखिएगा, पूरा देखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसमें छोटे जरूर होते हैं लेकिन कई बार ऐसे इसमें इतनी खतरनाक जानकारी मिलती है ना, कहते हैं ना इतनी जबरदस्त जानकारी मिल जाती है कि आपको कई बार तो ये पैसा दे के भी नहीं मिलता है भाई साहब, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस यहाँ लगा दी है और मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ। और देखिए मैं डिस्प्ले वही लगा रहा हूँ, मैं आपको चेक करा रहा हूँ, वोल्टेज बाद में चेक कराऊंगा, डिस्प्ले पहले वही चेक करा रहा हूँ कि डिस्प्ले चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं आप लोग सोचे कि डिस्प्ले बदल दिया। ऑन किया, देखिए अपने आप चल रहा है बिना मेन दिए, वही डिस्प्ले है। ठीक है, और अब चेक करते हैं किसका, एल बहुत ध्यान रहता है, 7805 पे वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 15 वोल्ट मीटर आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए बन गया 15 वोल्ट, और देखिए यहाँ 5 वोल्ट बन गया, और ये चार्जर हमारा ऑन भी हो गया है। ये देखिए, अब ये छोटी सी ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा, और फालतू के बकवासों पे ध्यान मत दीजिए। देखिए आदमी तो काम ही है बोलना, आप जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, आप लोग जो आपको अपने मन से जो देखिए जो सच्चा है उसके संग चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, और दूसरी बात, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, मेरे को और किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात है, आपका प्यार मिल जाएगा और ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल जाएगा तो दुनिया से जंग जीत लेंगे। ठीक है, और ये चार्जर बिल्कुल 100% ओके हो गया है। अगर आपका इसका कोई भी सामान चाहिए, मॉसफेट 47/60 मॉसफेट लेंगे, 47/60 55 रुपए का दूंगा मैं, और आप न्यू मत लीजिए, ओल्ड लीजिए, मैं पूरी गारंटी करता हूँ। 85 रुपीज वाला मॉसफेट लीजिए, अल्टरनेटिव वाला, वो 48/60 का, जो 48/60 M2 का जो उसका भी बाप निकलेगा, ये मेरी गारंटी है, आप मंगाइएगा जरूर। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।